हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट मुंबई जोन में जो वैकेंसी निकली है फॉर स्पोर्ट्स कैंडिडेट, उसके बारे में। आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में वैकेंसी निकली है। क्रिकेट में निकली है मेन के लिए, वॉलीबॉल में निकली है मेन के लिए, कबड्डी में निकली है मेन के लिए, एथलेटिक्स में निकली है मेन एंड वुमेन बोथ के लिए। जो कैंडिडेट्स इन गेम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्टेट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, वो कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 18 से 27 ईयर्स के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। जो पोस्ट है वो है हवलदार की पोस्ट है। सैलरी जो रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशनड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी 10th होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ क्राइटेरियाज हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर। जो गोरखा असमीज और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए अलग देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर है। और जो फिज़िकल टेस्ट होगा आपका, उसमें जो है आपकी वॉक होगी 1600 मीटर की, जो कि आपको 15 मिनट्स में कवर करनी है। और साइकिलिंग है आपकी, जो कि आपको 8 किलोमीटर्स कवर करने हैं 30 मिनट्स में। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है। जो वेट है वो है 48 kg। और जो हाइट रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर्स की रिलैक्सेशन है फॉर असमीज, गोरखास एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और जो फिजिकल टेस्ट होगा वुमेन का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉकिंग 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में कवर करना है और साइकिलिंग में आपको 3 किलोमीटर 25 मिनट में कवर करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में इन्होंने मेंशन किया है कि जिन कैंडिडेट्स ने नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन, यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन्स जो जहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट करा है उनके विद रिस्पेक्ट इन्होंने कुछ फॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आपको उन फॉर्म्स को जो है वो टाइप करना है और फिर आपको अपने रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो हैं सेंड कर देने हैं। देख सकते हैं जो वैकेंसीज जो हैं वो आप यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। क्रिकेट में जो वैकेंसीज हैं वो है 4, वॉलीबॉल में जो वैकेंसी हैं वो है 4 मेल्स के लिए है, कबड्डी में भी 4 हैं मेल्स के लिए। ओनली एथलेटिक्स में मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। और जो एथलेटिक्स में वैकेंसी है वो है 2 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो फॉर्म है उसको फिल करके, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके 15 दिसंबर से पहले जो है आपको बाय पोस्ट जो है सेंड करना है। उसके ऊपर आपको मैंशन कर देना है एप्लीकेशन फॉर द स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2018-19। और अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन आपको जो है सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप भेजना है जिसका साइज 11x5 होगा, जिसके ऊपर की आपको स्टैम्प लगानी है 10 रुपये की। इसमें जो है आपके जो है एडमिट कार्ड ये आपको सेंड करेंगे जो कैंडिडेट्स को ये सिलेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फिजिकल होगा और जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही इनका एड्रेस रहेगा। डिप्टी कमिश्नर कैडेट कंट्रोल अथॉरिटी CST एंड सेंट्रल एक्साइज मुंबई जोन। तो जो फॉर्म आपको फिल करना है, अगर आपने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। साथ में आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, अगर स्टेट एसोसिएशन में आपने रिप्रेजेंट किया है तो ये फॉर्मेट रहेगा, अगर आपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है तो ये फॉर्मेट रहेगा आपका, और अगर आपने डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ द स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है तो ये आपका फॉर्म रहेगा। तो आप जो है ये फॉर्म का लिंक जो है वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप सीधा वहाँ से जाके भी एक बार इन्हें चेक कर सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरा एड्रेस भी मैंशन कर रखा है, आप जो है एड्रेस यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। वो ऊपर जो फॉर्म से उनके साथ आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये एप्लीकेशन पूरा फॉर्मेट है जिसमें आपको अपनी फुल डिटेल्स जो है वो मैंशन कर देनी है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 15 दिसंबर से पहले फॉर्म फिल करके सेंड पोस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स।